अगर इन तीन नियमों का पालन आपने अपने जीवन में किया तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके भी जीवन में आर्थिक तंगी नाम का कोई शब्द नहीं आएगा। एक बात स्पष्ट सुन लो, मैं कोई जादू टोना टोटका नहीं बता रही हूँ, मैं शास्त्रोक्त बात जो पुराणों में लिखी वो बता रही हूँ। और ये नहीं कह रही हूँ कि उस मंत्र का पालन करोगे तो ऊपर से बारिश होगी पैसों की, ऐसा नहीं। काम तो करना पड़ेगा, लेकिन काम के साथ इस नियम का पालन करोगे तो जीवन में कभी आपका काम अटकने वाला नहीं है। और पहले सुनना इस बात को, और सिर्फ सुन करके सीधा विश्वास मत करना। कलयुग में किसी पे भी विश्वास करे इतना टाइम बचा नहीं है। आप तो सुनना, पहले करके देखना, लाभ नजर आवे तो जीवन भर करना, नहीं तो सीताराम बंद कर देना। तो क्या करना है, जितने भी भाई आप बैठे सुबह जल्दी उठे, उठने के पश्चात स्नान कर ले, यानी कि नहा ले। नहाने के बाद मेरे भाई बहनों तीन पात्र में जल भरे। पहले पात्र में जो जल भरा है उसमें थोड़ी सी गुगल और गाय माता का घी डाल दे। गुगल जानते होंगे आप, जिससे धूप देते हैं अपन, तो थोड़ी सी गुगल और गाय माता का घी डाले पहले लोटे जल में, और उस जल को उगते हुए सूर्य नारायण भगवान को चढ़ा दो। इस मंत्र का उच्चारण करके कि आदि देव नमस्तुभ्यम प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकराय नमस्तुभ्यम प्रभाकराय नमोस्तुते, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ये जल चढ़ा देना है सूर्य नारायण भगवान को। ये मंत्र याद नहीं रहेगा वैसे, लेकिन आप जो पुस्तकें लेके गए हैं उसमें लिखा है, जो वंचित रह गए वो आज लेके जाना। फिर दूसरे लोटे जल में थोड़ा सा मेरे भाई बहनों गैया का कच्चा दूध मिलाकर, बिना गर्म किया हुआ दूध मिलाकर भोले बाबा के शिवलिंग पर उनके गले में नाग देवता का ध्यान करते हुए चढ़ा दें। और तीसरे लोटे जल में थोड़ी काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों के नाम का, पूर्वजों के नाम का छोड़ दे। वापस घर पे आकर गाय माता की पूंछ पकड़ करके नाग देवताओं का ध्यान करें। नौ नाग देवता होते हैं, दो दो गाय माता के खुर में, एक उनकी पूंछ में। इस तरह से नौ नाग देवता का ध्यान करते हुए एक नाग मंत्र का उच्चारण करना है, बोल के बता रही हूँ, और ये भी उस पुस्तक में लिखा हुआ मिल जाएगा। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंख पालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा, इस नाग मंत्र का फिक्स 9 बार उच्चारण करना है। तीन लोटा जल और 3 मिनट का समय, इसके अतिरिक्त 1 रुपया भी खर्च आपको करना नहीं है। सवा महीने तक आपको कोई भी लाभ नजर नहीं आएगा, सवा महीने तक लाभ नजर नहीं आएगा। ऐसा नहीं 4 दिन करने के बाद कहो महाराज कुछ हुआ तो है ही नहीं, तो सवा महीने तक कोई लाभ नजर नहीं आएगा। लेकिन सवा महीने बाद आपका काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है, पटरी पर आप वापस आ जाएगा। अगर आप इसको 2.5 साल तक करते रहे, किसी से कर्ज ले रखा है आपने, तो धीरे धीरे चुकना शुरू हो जाएगा। और जीवन भर इस नियम का पालन करते रहे तो किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत आपके जीवन में आने वाली नहीं है, 100% गारंटी के साथ। मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर दोहरा दूं, आप मेरी बात पर सीधा विश्वास मत करना, पहले प्रयोग करना। लग क्या रहा है, 3 लोटा जल और 3 मिनट का समय ही लग रहा है, उसके अतिरिक्त 1 रुपया खर्च हो ही नहीं रहा है। सवा महीने तक करके देखना, लाभ नजर हो तो जीवन भर करना, नहीं तो 37 दिन में सवा महीना खत्म हो जाता है, 38वें दिन सीताराम बंद कर देना। अपन कोई लिखा पढ़ी एग्रीमेंट थोड़ी कर रहे हैं स्टाम्प पेपर पे कि आपको करना ही है, नहीं समझ में आवे तो बंद कर लो, लेकिन एक बार करके जरूर देखना। हाँ, कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि जल उगते हुए सूर्यनारायण भगवान को चढ़ाना है, ऐसे नहीं कि 8 बजे उठे और 10 बजे ओम सूर्याय नमः कर रहे, ऐसे नहीं चलेगा। दूसरा, गैया खुद के घर पे होनी चाहिए, घर की सेवा की हुई। पता चला खुद के घर पे तो 3 भैंसे 4 जर्सियां बंधी हैं और पड़ोस वाले के घर में जाके पूंछ पकड़ के बैठ गए, ऐसे तो 9 बार की जगह 100 बार करोगे तो भी लाभ नजर आने वाला नहीं है। तीसरा, जो लोग इस नियम का पालन करने हैं, कृपया अगर कोई नशा जीवन में है तो छोड़ देना, क्योंकि नशा करते हुए इस नियम का पालन करोगे तो भी कोई लाभ नजर नहीं आएगा। और चौथी बात, ये काम सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, मेरी माताएं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो इन 4 बातों का ध्यान रखते हुए, इन 3 नियमों का पालन किया तो निश्चित आपके जीवन की समस्त आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बोलो गौ माता की।